रहीम। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ स्टोरी दैट इज वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। कि एक दफा अगर कोई झूठ बोलता है तो वो हमेशा के लिए झूठा कहलाता है। वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। ठीक है, इन दिस स्टोरी हमें ये वी गेट अ मोरल दैट that lying is not a good thing, and if you told a lie once in a life, once a time, people will not believe on you, people will not believe on you because they think that you are always lying. Okay, let's start the story. There lived a shepherd boy in a village. Who's a shepherd? Now what is a shepherd? Shepherd means a person whose job is to look after sheep. ऐसा इंसान जिसकी जॉब है कि वो शीप्स की, गोट्स की, जो भी जानवर है उनकी लुक आफ्टर करना। ठीक है, जिसको उर्दू में हम चरवाहा कहते हैं। शेफर्ड, अ पर्सन हूज जॉब इज टू लुक आफ्टर शीप्स। ओके, देयर लिव्ड अ शेफर्ड बॉय इन अ विलेज। एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही यूज्ड टू टेक शीप एंड गोट्स ऑफ द विलेजर्स टू द मेडोज टू ग्रेज। उसका काम क्या था कि विलेजर्स की शीप्स को, गोट्स को मेडोज में लेके जाता था टू ग्रेज। व्हाट इज अ मेडो? मेडो इज अ पीस ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है, व्हाट इज अ मेडो? मेडो इज अ पीस ऑफ ग्रासलैंड। एक सरसब्ज घास का जो वाला एरिया होता है ना, दैट इज कॉल्ड मेडो। एंड ग्रेज, ग्रेज मीन्स टू ईट ग्रास इन अ फील्ड। व्हाट इज ग्रेज? ग्रेज मीन्स उर्दू में जिसे हम चरना कहते हैं, टू ईट ग्रास इन अ फील्ड, घास खाना। ओके, ऑल विलेजर्स वर सेटिस्फाइड विद हिम एज ही अटेंडेड द एनिमल्स केयरफुली। सब विलेजर्स उससे सेटिस्फाइड थे। सेटिस्फाइड मीन्स हैप्पी और प्लीज्ड। ठीक है, क्योंकि वो बहुत केयरफुली अटेंड करता था एनिमल्स को। ओके, रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, डोंट स्टार्ट इट विद अ मार्जिन लाइन, लीव टू फिंगर मार्जिन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। आप यू कैन नोटिस ऑन योर स्क्रीन एज वेल, हर पैराग्राफ टू फिंगर मार्जिन से स्टार्ट हुआ हुआ है। ओके, वन डे, वन डे के बाद अब हमने यहाँ पे पॉज लिया है, तो हम पॉज को कैसे शो करते हैं? अपोस्ट्रोफी, कॉमा के साइन से। किससे शो करते हैं हम पॉज को? कॉमा के साइन से। वन डे व्हेन एनिमल्स वर ग्रेजिंग, ही थॉट ऑफ मेकिंग फन ऑफ द विलेजर्स। जब एक दिन एनिमल ग्रेस कर रहे थे, खा रहे थे, चर रहे थे, he thought making fun of the villagers. He climbed to the top of the mound and cried, "Wolf, wolf!" What is a mound? Mound is a raised area of land. जमीन का थोड़ा सा ऊपर वाला, मतलब ऊंचा हिस्सा, जिसे हम टीला भी कह सकते हैं, पहाड़ टाइप जैसे होता है। ठीक है, the villagers took sticks and rushed to the meadow to save the boy and animals. Villagers ने अपनी स्टिक्स उठाई और वो रश्ड मीन्स उसकी तरफ भागे, टू रन, टू सेव द बॉय और एनिमल्स, एनिमल्स और बॉय को सेव करने के लिए। व्हेन द बॉय सॉ देम, यहाँ पे भी हमने पॉज लिया है, तो पॉज हमने किससे शो करना है? कॉमा के साइन से। व्हेन द बॉय सॉ देम, ही बिगन टू लाफ। जब उसने उनको देखा कि विलेजर्स आए हैं उनको सेव करने के लिए, बॉय को और जितने भी एनिमल्स हैं उनको सेव करने के लिए आए हैं, तो उसने हंसना शुरू कर दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। After some days, he played the same prank. Prank means joke. The villagers again came to help him, but again there was no wolf. कुछ दिनों बाद उसने वही दोबारा ट्रिक प्ले किया, लेकिन दोबारा, और विलेजर्स दोबारा उसकी हेल्प के लिए आए, लेकिन फिर भी दोबारा वहां पर कोई वुल्फ नहीं था। They were angry with him and decided not to trust him in future. वे लोग गुस्सा हो गए क्योंकि बार बार अपना काम छोड़कर उसकी तरफ भागे हुए आते थे उसको बचाने के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमने फ्यूचर में इसकी मदद नहीं करनी। ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, लीव टू फिंगर मार्जिन, वन डे फाइनली अ वुल्फ केम देयर। द बॉय क्राइड मेनी टाइम्स फॉर हेल्प, बट देयर वाज नो रिस्पांस। रिस्पांस मींस रिएक्शन टू समथिंग। ठीक है, विलेजर्स थॉट दैट ही वाज अगेन जोकिंग। विलेजर्स ने दोबारा सोचा कि वो मजाक कर रहा है। नो वन केम टू हेल्प हिम। The wolf killed some animals and also the boy. Wolf ने क्योंकि उसने लोगों को, लोगों ने उस पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया था,
जब एक्चुअल में वुल्फ आया तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने सोचा कि ये दोबारा से मजाक कर रहा है, और वुल्फ ने उसको कुछ एनिमल्स को बॉय को मार दिया. मोरल, मोरल मींस लेसन. इस स्टोरी से हमें लेसन क्या मिलता है, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, कि एक बार जो झूठ बोलता है उसको हमेशा फिर झूठा ही कंसीडर किया जाता है. ओके, आप जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में कि राइट अ स्टोरी ऑन द टॉपिक ऑफ वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, यू कैन राइट एनी स्टोरी रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द मोरल. जरूरी नहीं है कि आप ये शेफर्ड बॉय की ही स्टोरी लिखें, कोई भी ऐसी स्टोरी जो इससे रिलेट करती है आप लिख सकते हैं, बट ठीक होनी चाहिए. मेक श्योर द सेंटेंस इज करेक्ट वन. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इज द टॉपिक इज एन एसे ऑन इंडिपेंडेंस डे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसे इंडिपेंडेंस डे पे, दैट इज ऑन द पेज नंबर 138. स्टोरी और एसे दोनों पेज नंबर 138 पर है. ओके, whenever you are writing an essay on independence day, first of all you have to tell about the what is an independence ke azadi kya hai, why people want freedom from the other nations, dusri jo bhi nations unke upar hukumat kar rahi hoti hain unse wo kyun azadi hasil karna chahte hain. ab hum yahan pe pakistan ki independence day ki baat kar rahe hain, to why the muslim why did the muslim want another homeland and How Pakistan came into being, ये सारा कुछ brief description हमने इसमें बताना है, ठीक है? Okay, let's start the essay. Independence and freedom is one of the biggest blessing of Allah. ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी blessing है independent होना भी. जैसे आप दूसरी countries को देखें जो कि independent नहीं है, जैसे कश्मीर है, Syria है, और बहुत सी दूसरी countries और जो nations हैं जो independent नहीं है, उनके साथ कितना बुरा सलूक होता है. इसी तरह से जब मुसलमान भी, मुस्लिम्स भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनके पास सेपरेट होमलैंड नहीं था, उनके साथ भी यही होता था. तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से इंडिपेंडेंट होना, ठीक है. पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन अगस्त 14, 1947. ओके, अब यहाँ पे जो हमने डेट लिखनी है, बी केयरफुल अबाउट इट कि हमने इसको लिखना कैसे है. ऑलवेज राइट फुल फॉर्म, फुल नेम ऑफ द मंथ. Don't write the short form of the month like August. That August, तो आपने full लिखना है, A U Z नहीं लिखना. August 14th, 14th के बाद comma 1947. ठीक है. According to the English calendar, be careful about the spelling of calendar. बहुत common mistake होती है calendar के spelling में. C A L E N D A R. Just इसमें A की आता है. L E N, बाकी दोनों में C A L E N D A R, कैलेंडर, ठीक है. ओके, अब हमने ये बताना है कि पाकिस्तान कब बना था अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर. पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947 अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर, वाइल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर. अब यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर को हमने प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से लिखा है, और इस्लामिक आई भी कैपिटल आएगा. इस्लामिक कैलेंडर इट वाज 27th ऑफ रमजान. 27th, जब हम 27th पढ़ रहे हैं तो छोटा सा ऊपर टी एच लिखना है. टी एच आपने पूरी लाइन पे नहीं लिखना. 27, 23rd, 25th, जब भी हम इस तरह से डेट लिखते हैं तो टी एच या आर डी या एफ फर्स्ट का एस टी ऊपर छोटा सा लिखते हैं, पूरी लाइन पे नहीं लिखते. ओके, ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ अब हमने ये बताना है कि वर्ल्ड का क्या रिएक्शन था इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने ये बताना है कि जब पाकिस्तान बना तो पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन था, और जो जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया इस होमलैंड के लिए उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ऑन 14 अगस्त 1947 द वर्ल्ड सॉ अ न्यू कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. As an independent country, Islamic Republic of Pakistan को आपने capital letter से लिखना है. It's a full name of the Pakistan. Okay. पूरी दुनिया ने 14 अगस्त 1947 को Islamic Republic of Pakistan एक independent country के आजाद मुल्क के तौर पर देखा. This day reminds us the blood of thousands of Muslims who laid their lives for this land. Laid their lives means sacrificed their lives. जिन्होंने अपनी ये 14 अगस्त हमें उस दिन की याद दिलाता है जब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम ने अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया इस लैंड के लिए. मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट मीन्स अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट. एक एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है ना, तो एशिया का जो एक पार्ट था, लार्ज पार्ट, दैट इज कॉल्ड
सब कॉन्टिनेंट जिसमें हिंदू मुस्लिम्स मिल के रहते थे, उस पार्ट को हम सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज शामिल थी, एक लार्ज पार्ट कॉन्टिनेंट का. ओके, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर एबल टू गेट अ लैंड ऑफ देयर ओन वेयर दे कुड लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. अब मुसलमान जितने भी मुस्लिम थे सब कॉन्टिनेंट के, वो उनको एक अलग होमलैंड क्यों चाहिए था? क्योंकि वो वहाँ पर अपनी मर्जी की लाइफ गुजार सके, जो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली लाइफ गुजार सके. क्योंकि वहाँ सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश रूल करते थे, हिंदूज रूल करते थे मोस्टली ब्रिटिश के बाद, तो मुसलमानों को वहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकें. दैट्स वाई मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉन्टेड एन सेपरेट होमलैंड. ओके, नेक्स्ट इज ऑन द 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द ग्रेट एफर्ट्स मेड बाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, who was a man of great caliber. Caliber means quality of someone's character, or you can say the level of their ability. यानी कि बहुत ज़्यादा बासलाहियत इंसान थे मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया. कैसे? By the efforts after the great efforts made by कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद. And who was a man of great caliber, यानी कि बहुत ज़्यादा capable थे, बहुत ज़्यादा abilities थी उनमें, qualities थी. You can say that caliber means the quality of someone's character or level of their ability. बासलाहियत. Independence day for any country is like a festival. अब किसी भी हम country की independence day की बात करें तो वो उनके लिए एक फेस्टिवल की तरह होता है, एक त्यौहार की तरह होता है. कोई भी कंट्री अपना जो इंडिपेंडेंट कंट्री है वो अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करती है. पीपल ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट जील एंड जॉय एवरी ईयर. पाकिस्तान के लोग कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? विद ग्रेट जील एंड जॉय. जील मीन्स ग्रेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, खुशी के साथ हम हर साल इसको इंजॉय करते हैं. They unite together under the green and white flag of Pakistan and rejoice their happiness with friends and family. Rejoice means to show great joy, बहुत ज़्यादा खुशी show करना. Unite means इकट्ठे होना. Green and white flag, क्योंकि पाकिस्तान का flag green और white है, ठीक है, उसको represent करते हुए उन्होंने कहा है कि ये green और white flag के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी से इसको सेलिब्रेट करते हैं. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव डिफरेंट वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे. पूरी कंट्री के लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं. सम ड्रेस्ड अप इन ग्रीन एंड वाइट टू शो देयर लव फॉर द कंट्री, एंड सम डेकोरेट देयर हाउसेस. हर एक का डिफरेंट तरीका है. कुछ केक कटिंग सेरेमनीज करते हैं, कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री with flag rising ceremonies. Ceremonies mean takreeb, tributes to the national heroes, singing national songs and farewell work also. पूरी कंट्री में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? फ्लैग राइजिंग सेरेमनीज से. यानी कि सुबह 14 अगस्त की सुबह को आपने देखा होगा, टीवी शोज पर भी देखते हैं या वैसे भी, कि सबसे पहले हम फ्लैग राइजिंग सेरेमनी करते हैं, झंडा लगाते हैं, उसको लहराते हैं. ट्रिब्यूट्स टू द नेशनल हीरोज. ट्रिब्यूट मीन्स टू शो रिस्पेक्ट फॉर समवन, रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समवन. जो भी हमारे हीरोज थे, नेशनल हीरोज, कायदे आज़म, इलामा इकबाल और जितने भी हमारे सोल्जर्स और जितने भी हीरोज हैं, किसी भी वे में कोई हीरो है पाकिस्तान का, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं. ट्रिब्यूट मीन्स टू शो रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समवन. किसी के लिए अपनी रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, तारीफ शो करना, दैट इज कॉल्ड द ट्रिब्यूट. एंड सिंगिंग नेशनल सॉन्ग्स एंड फायरवर्क. फिर हम नेशनल सॉन्ग्स गाते हैं, सारा दिन नेशनल सॉन्ग्स लगे होते हैं और फायरवर्क्स भी अक्सर लोग करते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है कि पहले हमने बताया कि इंडिपेंडेंस डे क्या है, किस तरह से हमने आज़ादी हासिल की. फिर हमने बताया
कि किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशन, हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं. उसके बाद हमने बताना है कि हमने अपनी सेलिब्रेशन कैसे की. आपने अपनी सेलिब्रेशन के बारे में बताना है कि हमने स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया या घर में कैसे सेलिब्रेट किया. दिस ईयर ग्रेट प्रिपरेशंस वर मेड इन आवर स्कूल. इस साल हमारे स्कूल में बहुत बड़ी प्रिपरेशन की गई. प्रिपरेशन मीन्स सब तैयारी. द स्कूल वॉज डेकोरेटेड विद फ्लैग्स एंड बंटिंग. स्कूल को डेकोरेट किया गया फ्लैग्स एंड बंटिंग्स, झंडे और बंटिंग्स. फ्लैग्स एंड बंटिंग्स एक तो बड़े झंडे होते हैं ना, और जो छोटी छोटी झंडियाँ होती हैं जो अक्सर हम लगाते हैं धागे में डाल के घरों को डेकोरेट करने के लिए, अपने हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए जो छोटी छोटी झंडियाँ होती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैग्स एंड बंटिंग्स. फ्लैग्स बड़े झंडे और बंटिंग्स वो छोटी छोटी झंडियाँ. अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 14th अगस्त, 14th TH ऊपर छोटा सा लिखना है, 14th अगस्त. और जहां पे भी हमारे पास अगस्त आ रहा है, कोई नेम आ रहा है, यू हैव टू राइट इट विद द कैपिटल लेटर. मंथ के नेम या जितने भी नेम्स हैं, ये प्रॉपर नाउन्स हैं, इनको कैपिटल लेटर से लिखना है हमने. वी गैदर्ड इन द स्कूल. हम 14th अगस्त की सुबह को स्कूल में जमा हुए. गैदर्ड मीन्स जमा होना, इकट्ठे होना. वी स्टूड राउंड द फ्लैग पोल एग्जैक्टली एट 8 AM. National anthem was played from Radio Pakistan. We all stood in respect. Okay, पूरे exactly at 8 PM यानी कि पूरे 8 बजे national anthem Radio Pakistan से play हुआ, और we all stood in respect. हम सब उसकी respect में खड़े हो गए. जब भी national anthem play होता है तो हम respect में खड़े हो जाते हैं. After that we started our programs. इसके बाद हमने अपने programs शुरू किए. National songs were sung. Speeches were made. All the speakers threw light on the importance of the day and our duties towards the country. Programs mein kya tha? National songs humne gaya, speeches ki, aur speakers threw light on the importance of the day. Threw light means reveal information, to tell information, describe karna, jise hum keh sakte hain, theek hai? Kisi cheez ke bare mein batana. Threw light means reveal information, information dena, malumat dena us bare mein. कि हमारी जो स्पीकर्स ने क्या किया यहाँ पे, कि इंडिपेंडेंस डे की इम्पोर्टेंस बताई और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें पता होनी चाहिए. तो वो भी उन्होंने स्पीकर्स ने उस पर भी लाइट डाली. वी मस्ट सेलिब्रेट 14 अगस्त एवरी ईयर. हमें हर साल 14 अगस्त सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि एज इट इज़ आर इंडिपेंडेंस डे. ये हमारा एक इंडिपेंडेंस डे है. मे गॉड ब्लेस माई कंट्री. यहाँ पर गॉड किसी ने भी स्मॉलर लेटर से नहीं लिखना है. यहाँ पर गॉड मीन्स अल्लाह ताला, जब हम उसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे. मे गॉड ब्लेस माई कंट्री और ब्रैकेट में आमीन, कि अल्लाह ताला हमारी कंट्री पर अपनी रहमत हमेशा से करते रहें. सो दिस इज योर लेक्चर. वट यू हैव टू डू, लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स विद स्पेलिंग्स. जितने भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने अंडरलाइन किए हैं जो मैं बताऊँ वो, जितने भी वर्ड्स के स्पेलिंग आप लोगों को नहीं आते आपने वो भी लर्न करने. लाइक अगर मैं आपको कह रही हूँ सेरेमनीज की स्पेलिंग लर्न करने और आपको राइजिंग के स्पेलिंग भी नहीं आते, तो यू हैव टू लर्न दिस एज वेल. लर्न ऑल द स्पेलिंग्स एंड लर्न द स्टोरी वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर एंड एसे इंडिपेंडेंस डे वेरी केयरफुली.